कोरोना के लावारिस लाशों का करते हैं अंतिम संस्कार। जाने कौन है ये। कोरोना महामारी की पहली लहर की तरह दूसरी लहर में भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ जरूरतों की मंदों की मदद कर रहे हैं बल्कि ज्यादातर बेहतर सिचुएशन के लिए भी मदद की जा रही है। एक ऐसा एनजीओ है जो लावारिस लाशों का करता है अंतिम संस्कार, जो कि सरकारी अस्पताल में ऐसे ही पड़े रहती हैं। एक एनजीओ ने 1 मई से लेकर अब तक तकरीबन 35 शवों का अंतिम संस्कार किया है। पूर्व पत्रकार इकबाल जी द्वारा स्थापित मपदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने जस्ट स्माल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ शनिवार को मालवानी मुस्लिम कब्रिस्तान में 2 मुस्लिम डेड बॉडी और 5 हिंदू डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया। पिछले साल इस एनजीओ ने तकरीबन 1300 शवों का अंतिम संस्कार किया था। पत्रकार इकबाल ममदानी ने कहा कि पिछले साल हमने देखा एक समय में लड़ाई 250 से अधिक लावारिस सब अस्पताल में पड़े थे, जो वहां पर महामारी का खतरा बढ़ा रहे थे। इस सिचुएशन पर हमने अपने सदस्यों के साथ चर्चा की और साथ ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ चर्चा की। पुलिस अधिकारियों ने जब परमिशन दी तो तब से लेकर आज तक हम ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीते दिन जस्ट स्माइल फाउंडेशन के सदस्य मेहुल बिटलानी और मेहुल संगमानी ने हमारे साथ मिलकर शनिवार को 7 शवों का अंतिम संस्कार किया था। मेहुल बिटलानी ने कहा कि ये एक महान कार्य है और मुझे खुशी होती है कि मेरा एनजीओ इसके लिए ममदानी के एनजीओ के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। कवर है, कवर है, वो हटे हरी आओ, पीछे कवर है, कवर इकबाल भाई दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजा बेटा, आ गया ना, चलना तू भी, क्या इतना चलना। हेलो, ये दे डालो, तुम जान दे डालो, मिलना कलर क्या है, मिलना कलर तुम साइकिल करा। एक
भजन टेंशन मत लो, मैं भी हिंदू समझ में आ रहा हूँ हिंदू बॉडी पहले बोला बॉडी उनको देखने जाए मेरे को हिंदू बॉडी बहुत इनके साथ नहीं आ रहा, दूसरे भाई के साथ कोई भी मतलब उदय का कोई भी धर्म का लाओ बड़ी बात क्या है।